अजमेर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग से कुकर्म मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। सरकारी वकील विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 23 नवंबर 2020 को क्रॉक टावर थाने में नाबालिग बालक से कुकर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। नाबालिग के पिता ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी राधाकृष्णन बाबू भाई गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां लगातार सुनवाई के दौरान 14 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आज न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 50,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। ये 23/11/2020 की घटना है, जो पीड़ित बालक के साथ कुकर्म किया था। ये राधा कृष्ण और बाबू भाई मुलजिम आरोपी, जिस पर आज एक अहम फैसला हुआ है, पॉक्सो 2 न्यायाधीश श्री राजेंद्र गुप्ता जी ने सुनाया है। इसमें राधा किशन को 20 साल का कठोर कारावास व 51,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल 14 गवाह व 35 दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत हुए हैं, और इस पर जो पॉक्सो के अंदर जो अभी जो बच्चों के साथ जो घटनाएँ हो रही है, और उसको देखते हुए उस गंभीर माना है, जिस पर आज न्यायालय ने इस पर सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो 2 विक्रम सिंह शेखावत।